हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम डेट तय हो चुकी है 17 जनवरी। तो मैंने एक टारगेट रखा है कि आज मान लीजिए ये क्लास आपको मिलेगी कब, वेडनेसडे को शाम को 6 बजे। वेडनेसडे को शाम को 6 बजे आपको कौन सी क्लास मिल रही है, अगस्त की, ठीक है। फिर आपको मिलेगी थर्सडे को आपको मिलेगी कौन सी, सितंबर की क्लास। और फ्राइडे को आपको कौन सी मिलेगी, फ्राइडे को कौन सी मिलेगी आपको, अक्टूबर की क्लास। और सैटरडे को नवंबर की, ठीक है, नवंबर की मिलेगी आपको सैटरडे को। अब इतना दिमाग में रख लीजिए कि सैटरडे नवंबर तक ही आपको करंट अफेयर करना है। और मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो एटलीस्ट जून से लेकर के, ठीक है, ज़्यादा बड़े वीडियोज है नहीं, जून से लेकर के आप नवंबर तक के 2x पे 2 बार देख जाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। प्लस डिफेंस, मुझे जो उम्मीद लगता है 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने रखा है कि आपका एक संडे को मैं मॉर्निंग में करीब आपको मेरे हिसाब से 12 से 2 के बीच में आपको एक क्लास मिलेगी। और मे बी मैं कोशिश करूँगा, अगर लाइव हो सकेगा तो लाइव लूँगा उसको, ताकि आपका मतलब डिफेंस का 1 घंटे की क्लास होगी। और जिसमें मैं लगभग लगभग जुलाई से लेकर के नवंबर तक एटलीस्ट जितने भी डिफेंस की एक्टिविटी हुई है, मे बी कुछ दिसंबर की भी मैं कवर करूंगा, जितनी भी हुई है वो सारी कवर करूंगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए और इतना करके एटलीस्ट जरूर जाइए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, और आपकी तैयारी आई होप कि अच्छी चल रही होगी। और फिर अब शुरू करते हैं अगस्त का, ठीक है। समिट्स, सबसे पहले समिट्स की बात करते हैं। बेंगलुरु होस्ट 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। अब कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, इतना दिमाग में रखिए, ज्यादा नहीं देखना, इसको 2 बार देख लीजिएगा। ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन जोहानसबर्ग। अब आपका काम है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है बताइए। देखिए पहले क्या कौन सी थी, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। अब उसमें कौन कौन सा नया ऐड करना है, कौन कौन सी कंट्रियां ऐड हुई, ये आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ब्राजील थी, ठीक है, ब्राजील। उसके ये देखिए कमेंट में बताइए, बहुत कम लोग कमेंट में रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे लगता है कि यही चीजें आपको कमजोर कर रही हैं। सेकंड रसिया, रसिया, इंडिया, चाइना। और देखिए आपको ना क्वेश्चन में भी मिलते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब देख लीजिए साउथ अफ्रीका में है जोहानसबर्ग, इसका मतलब ब्रिक्स 2023 समिट कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। अगर डायरेक्ट आपको ये जोहानसबर्ग नहीं पता हो तो ये मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज आपको ये बताना है बाकी और कौन कौन सी कंट्रियां इसमें ऐड हुई हैं, ठीक है। तीसरी चीज आपसे मैं एक चीज पूछ सकता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बस इतना चीज, इससे ज्यादा मत बताइएगा। और किस सन में बना, ईयर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये चीजें आपको बतानी होंगी। नेक्स्ट आते हैं, इंदौर होस्ट 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है, बस इतना ही जानिए। पीएम मोदी को चेयर आसियान समिट 2023 इन इंडोनेशिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बना, आसियान समिट कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में, ठीक है। कौन इसमें मतलब चेयर था, जो मतलब मेन था को चेयर, वो थे पीएम मोदी। अब भाई मोदी ही रहेंगे, इंडिया के पीएम है तो, ठीक है, इतना चीजें रखिए। नेक्स्ट आते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स पे, जो जो इंपॉर्टेंट था अगस्त में वो चीजें आपको कवर पूरी मिलेंगी। जालेसर धातु शिल्प फ्रॉम यूपी हैज बीन गिवन द जीआई टैग। जीआई टैग देखिए पूछा जाता है इसलिए मैंने रख दिया इसको इंपॉर्टेंट में, ठीक है। जालेसर धातु शिल्प, ठीक है। नोवेल वेस्टर्न लेन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर 2023 बुकर प्राइज, लॉन्ग लिस्ट इट इज रिटन बाई चेतना मारू, ठीक है। चेतना मार कि देखिए क्वेश्चन यही बन जाएगा कि वेस्टर्न लेन जो है नॉवेल किसने लिखा है, तो चेतना मारू ने लिखा है। अब उसको बुकर बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मट्टी बनाना जदेरी नामकट्टी और चेंदी बूटा कॉटन साड़ी हैव बिन गॉट जीआई टैग फ्रॉम तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से इन तीन चीजों को जीआई टैग मिला है। ये क्या है, कॉटन साड़ीज है, ठीक है, ये कॉटन साड़ीज है, मतलब देख लीजिएगा, नाम आपको याद रखना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार 2 GI टैग हो गया, कौन सा, जालेसर धातु और मट्टी बनना जादेरी और क्या बोलते हैं चेंदी बूटा, ये कहाँ से है, तमिलनाडु से है, ठीक है। मनोज बाजपेयी हैज वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म जोरम एट डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। हाँ, कुट्टी कनम प्लेस इन केला विल बी डिक्लेयर एज द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ठीक है। एकता कपूर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकता कपूर कौन सी पहली इंडियन फिल्म मेकर बनी है जिसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, ठीक है। तमिलनाडु हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 13th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3rd अगस्त 2023।
मुस्तक बुद्जी राइस जम्मू कश्मीर गॉट जीआई टैग, तीसरा जीआई टैग है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ है मुस्तक बुद्धि? मुस्तक बुद्धि थोड़ा सा मुस्लिम टाइप का नाम लग रहा है, उससे याद रख लीजिएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इस तरह से याद रख लीजिएगा। श्रीनगर हैज बिकम द हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर जल जीवन सर्वेक्षण, ये याद रखिएगा, जल जीवन सर्वेक्षण में श्रीनगर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। राज चेट्टी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैज बिन अवार्डेड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जॉर्ज लैंडर प्राइज, उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज गिवेन हर अप्रूवल फॉर द 76th गैलेंट्री अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब ये बताइए कि ये किस लिए मिलता है, ये आपका होमवर्क है, किस लिए मिलता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मिलता है गैलेंट्री अवार्ड किस लिए मिलता है, ये आपकी होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, रतन टाटा हैज बिन अवार्डेड फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश हैज रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट स्टेट इन स्मार्ट सिटी मिशन एट इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। मध्य प्रदेश को मिला है स्मार्ट सिटी के हिसाब से बेस्ट स्टेट, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, एकता कपूर हैज बिकम फर्स्ट है, ये तो आपको बता दिया मैंने। भादेरवा जमास एंड सुलई हनी गॉट जम्मू एंड कश्मीर जीआई टैग, ठीक है, ये चीजें याद रख लीजिएगा। अब कहाँ, जम्मू कश्मीर से दो चीजें हो चुकी हैं जीआई टैग में, तीन मतलब ये दो और प्लस वन वो तीन, और तमिलनाडु से मिली है और एक यूपी से मिला है, तो ये चीजें दिमाग में रख लीजिएगा, ये अगस्त के महीने का है, ठीक है, एक बार आप सुनेंगे तो आपकी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। रवि कनन हैज वॉन रमन मैगेस्करे अवार्ड 2023। रमन मैगेस्करे अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, मैगसेसे, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, रमन मैगसेसे अवार्ड किसको मिला है, रवि कनन को। इसके पहले आपको पता होगा जो हमारे रवीश कुमार है उनको भी मिला था, रवीश कुमार को भी ये अवार्ड मिल चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, और बहुत सारे हस्तियों को मिला है। रवीश कुमार मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मुद्दा काफी उठा था, इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, कारगिल बुक है एक यात्री की जुबानी ऋषि राज ने लिखी है, मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्जिंग ये अभय कुमार की है, कुछ अधूरे शब्द आशुतोष अग्निहोत्री की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द हैंडबुक ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप स्कीम्स स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, स्कीम एंड प्रोजेक्ट पे आते हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी इन द हिज मंथली प्लेटफॉर्म मन की बात मेंशन बिचारपुर विलेज ऑफ द पीएमपी एज मिनी ब्राजील, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बिचारपुर विलेज मिनी ब्राजील के नाम से पीएम मोदी ने मेंशन किया है मन की बात में। यूके पार्टनरिंग फॉर एक्सेलरेशन, अब मान लीजिए पूछ दिया कि बिचारपुर विलेज कहाँ पे है, तो एमपी में है, उसके क्या बोला गया है, मिनी ब्राजील बोला गया है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। यूके पार्टनरिंग फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशन मैनग्रोव प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन तमिलनाडु, ठीक है। आसाम हैज लॉन्च द अमृत वृक्षय आंदोलन, ठीक है, आसाम ने लॉन्च किया है अमृत वृक्ष आंदोलन, वृक्ष आंदोलन या फिर बोल सकते हैं, वृक्ष मतलब हिंदी में होता है पेड़, ठीक है, पेड़, और आपको पता होगा ट्री वृक्ष मतलब होता है, अमृत आंदोलन, ठीक है। केरला हैज लॉन्च लीप काउ वर्क लॉन्च बाई इम्पावर एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी। वासीपू आइकम स्कीम रिसेंटली सीन इन द तमिलनाडु, अब देखिए इस स्कीम की बात करें तो ये आपको डायरेक्ट आपको ऑप्शन में तमिलनाडु केरला और कर्नाटका आंध्र प्रदेश ही मिलेंगे क्योंकि नाम ऐसा है, तो इक्कम से ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु, ठीक है। बिहार हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई। गुजरात हैज लॉन्च सिम सूचना मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तेलंगाना हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ओपन टोटल 25,000 जन औषधि केंद्र। गोवा लॉन्च द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। महाराष्ट्र हैज लॉन्च भगवत बिरसा मुंडा जोडर रास्ते स्कीम, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब नाम में आप प्रोनाउंसिएशन में चीजें देख लीजिएगा क्योंकि लोकल लैंग्वेज में चीजें अलग अलग होती हैं। पीएम उषा स्कीम इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आईटी हब कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तमिलनाडु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ साउथ एशिया लार्जेस्ट डीसेलिनेशन प्लांट। सेलिनेशन मतलब जो नमकीन होते हैं और उसको डीसेलिनेशन प्लांट की बात किया है, कहाँ पे, साउथ एशिया का सबसे बड़ा तमिलनाडु में। केरला हैज ओपन इंडियाज फर्स्ट एआई स्कूल। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इन बेंगलुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सांची बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट सोलर सिटी, ठीक है, सांची, सांची एक मध्य प्रदेश के बगल में
मध्य प्रदेश के भोपाल जो शहर है उसके बगल में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक सांची स्तूप है, ठीक है, वहीं उसकी छोटी सी सिटी है ये, सांची स्तूप है। इस स्तूप को माना जाता है अशोका के टाइम पे बना था, ठीक है, अशोका के टाइम पे बना था, और पुष्यमित्र सुंग का नाम आपने सुना होगा, पुष्यमित्र सुंग का, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी के थे। इन्होंने इस स्तूप को तोड़वाया था क्योंकि ये ब्राह्मण थे तो इनको लगता था कि बौद्ध के स्तूप नहीं रहने चाहिए, इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा इसको तोड़वाया था, ठीक है, तोड़वा दिया था, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, तो पंजाब लीड द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023, पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द संत रविदास टेम्पल इन बतूना विलेज इन द मध्य प्रदेश, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे इस पे, डिफेंस पे आते हैं। नाइन्थ एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन केरला, मालाबार से रिलेटेड है तो केरला दिमाग रखिए। मालाबार एक्सरसाइज 2023 किसके बीच में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मालाबार एक्सरसाइज हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और किसके बीच में हुआ है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बायलेटरल नवल एक्सरसाइज जायद तलवार हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं मालाबार का रख देता, मालाबार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस टू होस्ट मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन 2024, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार दिमाग में रख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट अनमैंड एरियल सिस्टम कॉमन टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, विल बी सेटअप इन तमिलनाडु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड भगत ब्रिज इन दाना विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए डिफेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आईएनएस वजीर हैज सेटअप रिकॉर्ड टू द लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन डिप्लॉयड कवरिंग 7,000 किलोमीटर टू रीच ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईएनएस वजीर के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। ऑपरेशन जेरिको इज रिलेटेड टू मिजोरम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, मैंने और इससे पहले ऑपरेशन दोस्त के बारे में डिस्कस कराया था, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त के बारे में बताया था, और भी एक ऑपरेशन के बारे में बताया था, तो जो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन जेरिको इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस बरी चिंता बादाम, चिना बादाम 12 इज अ ग्राउंड नट, बादाम से याद रखिएगा, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ठीक है। बिहार हैज अनाउंस टू सेटअप राइनो टास्क फोर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये देखिए एक ही टाइगर यहाँ पे नेशनल पार्क है, और ये वहाँ का टाइगर रिजर्व ज़्यादा है लेकिन नेशनल पार्क एक है वाल्मीकि रिजर्व जो कि बिहार का है, ये लगभग लगभग चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। लिटिली हुरतुर वाल्केनो हैज इरप्टेड आफ्टर 800 ईयर इन आइसलैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि लिटिली रूटर हुल्टर करके नाम है ये वॉल्केनो कहाँ पे है, तो आइसलैंड में है, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन हैज बिकम द एशिया लार्जेस्ट पार्क विथ 1.5 मिलियन फ्लावर, इट इज इन श्रीनगर, टुलिप से याद रखिएगा कि श्रीनगर क्योंकि ये वहां पे पाया जाता है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज अप्रूव धोलापुर करौली एज 54th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी ये रिसेंट में आया है, और एक मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है, कि किस ईयर में शुरू हुआ है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 54 है, लास्ट वाला कहाँ है, राजस्थान में है, नाम क्या है, धौलपुर करौली, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स पे, द मैन एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 वॉज हेल्ड इनॉग्रेटेड इन चेन्नई, ठीक है, हॉकी का टूर्नामेंट कहाँ हुआ, चेन्नई में। विक्टर एक्सेलसन हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल फॉर जापान ओपन, ठीक है। अब आपको बताना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन एक अलग क्लास ही मैंने इसके लिए ली है, यूएस ओपन, विम्बलडन, ठीक है, और फ्रेंच ओपन, इनका आपको बताना है कि कौन विनर है। खासकर इतना याद रख लीजिए कि मेन और वुमेन में नोबेल की एक मैंने क्लास ली है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा नोबेल प्राइज का, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अदिति स्वामी हैज बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल टू विन द वर्ल्ड वर्ल्ड टाइटल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 बर्लिन, ठीक है, कौन जीता है, अदिति स्वामी, याद रखिएगा अदिति स्वामी आर्चरी।
वर्ल्ड कप 2023 हैज बीन कंसीड इन अजर। ठीक है अजर भाई क्या? ठीक है एक सेकंड मैं बस चेक कर लूँ ईयरफोन कनेक्टेड। हाँ ठीक है एक सेकंड। हाँ रिसेंटली इंडिया डिफीट विच कंट्री टू विन द मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल? मलेशिया। मलेशिया को हरा के एशियन चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता है। कहाँ हेल्ड हुआ था ये आपको मैंने अभी बताया है। ठीक है आपको मैंने अभी बताया है। ठीक है आपने देख लिया होगा। 69th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वॉज हेल्ड इन पुन्नामड़ा लेक इन केरला। अब आपको पता होगा बोट की एक इमेज देखते होंगे वो केरला में होती है। ठीक है इंडिया फर्स्ट इवर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इज बींग डेवलप्ड इन मणिपुर। नेमार हैज ज्वाइन अल हिलाल। विंग हॉन्ग यांग वॉन द मेन सिंगल टाइटल फॉर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीता है? विंग हॉन्ग यांग। अंतिम पंघल फ्रॉम द इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय द विनिंग कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल इन 57 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड U20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। अमन जॉर्डन। ठीक है स्पेन हैज वॉन 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है अब देखिए 2023 का वुमेन वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है। मेल कौन जीता था आपको पता होगा? अर्जेंटीना ने। उसमें गोल्डन बूट किसको मिला था? मेसी को। ठीक है और सबसे अच्छा गोलकीपर कौन था? ये आपका होमवर्क है बहुत इजी है। अपोजिट टीम के थे जो टीम हारी है इतना हिंट दे दे रहा हूं मैं आपको बताना है। हाँ आर प्रगनंदन। आर प्रगनंदन आपको पता होगा कि बहुत ही यंगेस्ट हैं जी जिन्होंने हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन आफ्टर विश्वनाथ आनंद टू रीच फाइड वर्ल्ड कप चेस 2000 कप 2023 फाइनल में। आनंद विश्वनाथ के बाद पहली बार फाइनल में कोई पहुंचा है उनका नाम है आर प्रगनंदन। ठीक है अमनप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर शूटिंग ISSF चैंपियनशिप। हाँ मग्नस कार्लसेन हैज वॉन फाइड वर्ल्ड कप 2023 लेकिन यहाँ पे ये हार गए थे तो कौन जीता था? मग्नस कार्लसेन। ठीक है बहुत ही अच्छे ये हैं। महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज फर्स्ट प्रो गोविंदा लीग 2023। खेलो खेलो इंडिया वुमेन लीग हैज बीन रीनेम्ड अस्मिता वुमेन लीग। HS प्रणय फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट WBF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। याद रखिएगा कौन जीता है? HS प्रणय। नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023। सी गुकेश डी हैज बिकम द हाईएस्ट इंडियन इन फाइट 2023 रैंकिंग। आसाम हैज अनाउंस टू सेटअप नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर बैडमिंटन एट अमिंगन इंदौर स्टेडियम। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। संजय कुमार अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। जस्टिस सुभाष तलपत्रा हैज स्वान इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसमें बता दूंगा। अब देखिए आदिल आदिल को क्या बनाया गया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलीट। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी एक को याद रखना होगा इसमें से तो अपॉइंटमेंट से ये याद रखिए आप। हाँ ईगा ईगा स्वीकेट टेनिस प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंफोसिस। सचिन तेंदुलकर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकॉन्स। अमित एस तेलांग अपॉइंटेड एज अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू गियाना। संजीव कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल। जया वर्मा हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जया वर्मा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। आर माधवन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मिसलिनियस देख लेते हैं। बेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट इन झारखंड वॉज अंडर द कंटिन्यूअस हैबिटेशन फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी टू 16 से 17वीं सेंचुरी AD तक। ठीक है द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर हैज बीन बिगेन इन लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कमर ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ ये पूछ देगा कि कमर ट्राइब कहाँ से है तो छत्तीसगढ़ दिमाग पे रख लीजिए। हैज रिसीव द हैबिटेट राइट इन धामतारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है इंडिया एम टू इलिमिनेट ये मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक फिलेरिसिस बाय द ईयर 2027। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने ये भी बताया था मलेरिया का मैंने आपको ये भी बताया था कि और टीबी का। ठीक
कब कब इलिमिनेशन है, ये आपको ईयर मैंने बताया था, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। 2027 का किसका है, लिम्फेटिक फिलेरेसिस का। माऊगंज हैज बिकम द 53 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। शिव शक्ति पॉइंट इज द नेम ऑफ लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन लूनर सरफेस। जहां पे चंद्रयान लैंड किया उसका नाम क्या रखा है, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये तो रही पीडीएफ, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पे मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज की मैं फैक्ट बता रहा हूँ और जल्दी बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी चीजों को कवर कर सके, और 2 बार एटलीस्ट देख लीजिएगा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, 2 बार एटलीस्ट देख लीजिएगा 2x में करके, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अगर सुने भी रहेंगे ना तो क्वेश्चन देखेगा तो आप कर लेंगे, और मैं एग्जाम के ओरिएंटेड आपके थोड़ा सा तेज कराऊंगा, और चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी चीजों को कवर करके वहां पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।